सिद्धार्थनगर जिले के इटवा थाना क्षेत्र के मछुआ शाहपुर मार्ग पर चॉकलेट लेकर वापस आ रहे दो मासूम बच्चों को कार ने ठोकर मार दी, जिससे दोनों को गंभीर चोटें आई। ग्रामीणों ने आनन फानन में बच्चों को सीएससी खोनियाओ पहुंचाया। बच्चों की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर के लिए रेफर कर दिया। बता दें कि दो चचेरे मासूम बच्चे जिनकी उम्र 6 और 7 वर्ष थी, यह ग्राम बढ़ता के रहने वाले थे। घर से ही कुछ दूरी पर चॉकलेट लेने गए थे, वापस आ रहे थे तो रोड क्रॉस करते समय कार की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको सीएससी लाया गया। उनकी हालत को देखकर डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर के लिए रेफर कर दिया। जब ये लोग बच्चों को लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचे तो डॉक्टरों ने इन बच्चों को मृत घोषित कर दिया। ये खबर जब परिवार वालों को पता चली तो परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम कराकर आगे की कार्रवाई में जुटे हैं। इस बारे में परिवार को कहना है कि हमने थाने पर प्रार्थना पत्र दे दिया, एफआईआर दर्ज हो गई है। मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर का कहना है कि दो बच्चे आए जो मृत अवस्था में थे, उनकी फॉर्मेलिटी कराकर परिवार को शव दे दिया गया। क्या नाम है आपका? तहारत रजा। तो तहारत रजा, दो बच्चों की मौत हुई है आपके यहाँ, क्या मामला था, कैसे मौत हुई है? सर मामला ये था कि दो बच्चे अपने पिता के साथ चौराहे पर जो उनका मकान बन रहा था वहाँ पर जाते हैं और वहीं थोड़ी देर रहते हैं। उसके बाद उनके पिताजी उन दोनों बच्चों को कुछ चीज़ें खाने को देते हैं। खाने के बाद वो बच्चे उसी घर के आसपास रुकते हैं। थोड़ी देर के बाद वो बच्चे रोड के बिल्कुल बाईं तरफ पटरी से किनारे होकर लगभग 100 मीटर आगे जाते हैं कि एक बहुत ही तेज गति से खुनियाओं की तरफ से एक सीवी वाहन आती है और दोनों बच्चों को बुरी तरीके से कुचलती हुई खेत में चली जाती है, जिसके कारण उन दोनों बच्चों को खुनियाओं ब्लॉक पर उपचार के लिए इलाज के लिए ले जाया जाता है। वहाँ से वो लोग रेफर करते हैं और जिला अस्पताल जाते जाते ही उन बच्चों की मृत्यु हो जाती है। इस दर्दनाक हादसे में दो सगे चचाजात भाइयों के छोटे छोटे 6 से 7 साल के लगभग बच्चों की मृत्यु होती है और वो बाप जिन्होंने अपने बेटों को जनाजे को अपने कंधे पर उठा करके कब्र में उतारा हो, एक लापरवाह ड्राइवर के चलते। आप लोगों ने कहीं शिकायत नहीं की? इसके लिए हम इटवा थाना में पहुंचे हैं और यहां के एसओ साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके अपराधी को सख्त सजा देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजमल हुसैन है सर। कहां के रहने वाले? और मैं बाया का निवासी हूं सर। अच्छा, आपके गांव में एक्सीडेंट हुआ है जिसमें दो बच्चों की मौत हुई, पूरा मामला क्या है? सर दो बच्चे गए थे सामान लेने के लिए और वह पटरी पे खड़े हुए थे पटरी के नीचे और गाड़ी आई बहुत तेज रफ्तार से आई और दो बच्चे थे जिनका नाम मोहम्मद जैद और एक का नाम मोहम्मद रजा था। वो दोनों बच्चों को ठोकर मारी, लापरवाही से गाड़ी आई और रोते हुए उनका वहाँ दर्दनाक मौत हो गया। आप लोगों ने शिकायत नहीं की? सर मैं ये मांग कर रहा हूँ कि मैं जो भी हमारे अधिकारी हैं उच्च अधिकारी हैं उनसे मांग है कि उचित कार्रवाई हो और उसको सख्त से सख्त सजा हो। आप लोगों ने कहीं शिकायत नहीं की है? सर हम लोग थाने पे तहरीर लेकर आए हैं, एफआईआर दर्ज किया है सर और वहाँ पर हर कार्रवाई प्रक्रिया हो रही है। बच्चों की मौत हो गई, यहाँ पे आए थे, क्या पूरा मामला था? कहाँ के रहने वाले थे बच्चे और क्या थी? दो बच्चे, एक 7 साल का था एक 6 साल का था। वो कार के टक्कर में कोई कार वाला मार दिया और वही ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गए और वो खुनियाओं ब्लॉक के बढ़िया गाँव के रहने वाले थे, इटवा थाना पड़ता है। जब यहाँ 2 बजे आए तो इस 2:10 PM पे